आदर आदाब अभिनंदन आभार, मैं अमिताभ बच्चन नमस्कार करता हूं और स्वागत करता हूं आप सबका इस अद्भुत खेल में जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। देखो सर, जो मेरे सामने अंकुश शर्मा जी बिश्नाह जम्मू एंड कश्मीर से हैं। कैरम चैंपियनशिप जब भी होती है हमारे जम्मू जूनियर लेवल पे, जोनल ऑफिस लेवल पे या हेड ऑफिस लेवल पे, मेरे को कोई ऐसा कोई प्लेयर ऐसा आया नहीं जो इनको मात दे सके। इतना तगड़ा प्लेयर है कैरम कि आप इसकी टीम में हो या ये आपकी टीम में है, आपकी जीत पक्की है। कैरम की शुरुआत मेरी बचपन से हुई है। फादर ने मेरे बर्थडे पे कैरम गिफ्ट किया मुझे और मैं घर पे ही अपने पेरेंट्स के साथ खेलता था। खेलते खेलते एक क्रेज सा बन गया कि रोज कैरम खेलना, मतलब आदत सी बन गई थी। कॉलेज के बाद मुझे बैंक की जॉब लगी, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि बैंक की तरफ से मैं एज ए स्टेट लेवल पे बैंक को रिप्रेजेंट करूँ। मैं नेशनल लेवल पे बैंक की तरफ से गया। लाइफ को खुल के जीता हूँ, मुझे हर चीज करना पसंद है। नेचर ही ऐसा है कि हंसते खेलते रहना, उसके बिना थोड़ा अधूरा सा लगता है कि हम अधूरे हैं उसके बिना। तो जैसे आता है थोड़ा माहौल बन जाता है घर में। पर्सनल लाइफ पे 5.5 ईयर से एक रिलेशनशिप चल रहा है जो कि हमारा इंस्टाग्राम से शुरू हुआ था। फिर ये लाइफ में जो ये एकदम से मतलब चेंज आया या फिर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गया हूँ, वो सब उसमें उनका ही हाथ है और वो मेरा एक जिंदगी का बहुत बेस्ट पार्ट है। जैसे ही कोविड भी थोड़ा खत्म होगा और जैसे ही सब कुछ थोड़ा बैक टू नॉर्मल होगा, जल्दी ही हम शादी कर लेंगे। मैं केबीसी में इसलिए आना चाहता हूँ, मेरे पेरेंट्स से मेरे लिए बहुत स्ट्रगल किया है। मेरे फादर ने अपना PF निकाल के बहुत मेरे ऑपरेशन पे खर्चे भी हुए। मैं अपने बेटा होने की तरफ से फादर या मदर को एक अच्छा सा घर गिफ्ट करना चाहता हूँ और उनको भी खुशी होगी कि मैंने कुछ उनको करके दिखाया या कुछ भी अचीव किया है। अंकुश, ये कैसे हुआ कि आपकी हाइट जो थी वो कम हो गई? सर, ये बचपन से मुझे प्रॉब्लम है। एक्चुअली बाय बर्थ मुझे रिकेट्स की प्रॉब्लम डायग्नोस मतलब एक वो हुई थी। क्या थी ये बीमारी? रिकेट्स। रिकेट्स, ओके। इसको विटामिन डी की कमी से होती है। वो बाय बर्थ ही हो गया था और उसके बाद जब मैं 2 साल का था फिर पता चला पेरेंट्स को कि प्रॉब्लम है। फिर धीरे धीरे डॉक्टर्स को दिखाना स्टार्ट किया। जब मैं 5-6 साल का था तब स्टार्टिंग से ही मुझे कभी लेफ्ट लेग कभी राइट लेग में ऑपरेशंस हुआ करते थे। पहले ज़्यादा प्रॉब्लम थी, अब उन्होंने फिर भी डायग्नोस करके बहुत कुछ ठीक कर दिया। मतलब बोन्स जो थी वो ज़्यादा टेढ़ी थी लेकिन फिर भी ठीक कर दिया। और फिर वो मुझे स्टार्टिंग से ही हो गया था कि प्रॉब्लम तो है ही है ये, लेकिन उसके साथ सर सब सही। छोटी उम्र में अपने मन को दृढ़ करना और समझ जाना कि मुझ में एक ये कमी है, सर ये बड़ा मुश्किल होता है एक 5-6 साल के बच्चे के मन के लिए। आपने अपने आप को कैसे दृढ़ किया? सर, उसमें सारा श्रेय मेरे पेरेंट्स को है जिन्होंने मतलब हर स्टेप पे साथ दिया। और जैसे पापा आर्मी में है तो पापा हमेशा हौसला ही बढ़ाते रहते थे और वो हौसला हमेशा ही रहा है कि मतलब बींग यू कैन से कि सर आर्मी, जैसे मैं बैकग्राउंड से फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो ऑलवेज पॉजिटिव, पापा ने पॉजिटिविटी ही मतलब भरी है और पॉजिटिविटी वहीं से स्टार्ट हो गई कि नहीं, अब जो चीज़ है ज़िंदगी में उसको फेस करना ही करना है। वो बाकियों ने कुछ और फेस करना है, मैंने कुछ और फेस करना है। क्या बात है, बहुत 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 बधाई देते हैं हम आपको भाई साहब। आपका शुभ नाम भाई साहब? परसोत्तम लाल शर्मा, बिश्नाह जम्मू से। सर, आपने इनके अंदर एक धैर्य उत्पन्न करवाया और कहा कि पॉजिटिव रहना चाहिए, जो है जैसा भी है उसी के साथ हम जिएंगे और आगे भी बढ़ेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। अंकुश, मैंने देखा आप ही वीडियो में कि आप कार भी चला रहे हैं और उसको क्या बोलते हैं वो जो सर, वो ATV होती है। ATV, हाँ, ऑफ रोड ATV भी चला रहे हैं। ये खास बनाई गई थी गाड़ी आपके लिए? नहीं सर, गाड़ी जो कार है वो ऑल्टो केटन ही है, लेकिन बस ये कि उसको हाथ के ऊपर रेस ब्रेक का सिस्टम करवाया है जिससे कि पैर से प्रॉब्लम ना आए और हाथ से आराम से। तो आप हाथ से स्टीयरिंग भी चलाते हैं और गियर भी बदलते हैं? नहीं, ऑटोमेटिक गाड़ी है। अच्छा, ऑटोमेटिक गाड़ी है तो ओनली ब्रेक जो है रेस एंड ब्रेक हाथ में रहता है। हाँ सर, और इससे आप गाड़ी चला लेते हैं? ऐसे भी मुझे ड्राइव करना सर बहुत पसंद है। मतलब स्टार्टिंग बचपन से क्रेज तो था और वो था कि ये कब होगा, मतलब एक सपना भी जैसे होता है। आम लोगों के लिए नहीं होगा लेकिन मेरे लिए वो था, तो वो मैंने नहीं नहीं मैं समझ सकता हूँ। बहुत सारी तमन्नाएं होती हैं, आशाएं होती हैं कि मुझे ये करना है, वो करना था, तो वो
अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हर जगह जा सकता हूँ। बहुत सारा हमें गर्व होता है जब हम आप जैसे व्यक्तियों से मिलते हैं जिनके अंदर एक आत्मशक्ति होती है, एक विल पावर होती है कि चाहे कुछ भी हो, हमारी जैसी स्थिति है, हम इसको ले करके आगे बढ़ेंगे। सर उसके ऊपर ही जैसे आपके एक शो की ये स्टार्टिंग में जब शो स्टार्ट हुआ था तब ट्रेलर भी था, उसमें से चार लाइनें मैं बोलना चाहूँगा। जी जी। वो चार लाइनें मुझे बहुत ही पसंद है और वो यही है कि पत्थर की बंदिश से भी क्या बहती नदियाँ रुकती हैं। पत्थर की बंदिश से भी क्या बहती नदियाँ रुकती हैं, पत्थर की बंदिश से भी क्या बहती नदियाँ रुकती हैं, हालातों की धमकी से क्या अपनी नजरें झुकती हैं, किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है, किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है, जिसमें मशाल सा जज्बा हो वो दीप जलाना पड़ता है, वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है, वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना। वाह वाह क्या बात। वो जो लिखी लाइंस हैं वो शायद मैंने यहाँ आने से पहले रोज एक बार जरूर देखी होंगी क्योंकि वो मोटिवेशन देती हैं। वो बहुत अच्छी लिखी हुई लाइंस है सर और मैं मतलब रोज सपना देखता था कब ये मोटिवेट होता रहूं और कब जाके इस हॉट सीट तक पहुंचूंगा और सर आपके सामने बैठने का मौका मिलेगा मुझे। जितनी भी लिखावट होती है हमारे शो में, कविताएं होती हैं, प्रेरणा स्रोत कविताएं होती हैं, लेख होते हैं, हमारे साथ ही काम करते हैं यहाँ के ABC में RD तैलंग उनका नाम है, वो सब वही लिखते हैं, उनको बधाई देते हैं और आपको कि आपको वो शब्द पढ़ करके आपने अपने आप को फिर से एक शक्ति आपने प्राप्त की, बहुत बहुत बधाई आपको अंकुश जी। ऑलराइट अंकुश, अब आपका ध्यान जो है खेल की ओर जाना चाहिए। रूल्स तो आपको मालूम है, जितने नियम हैं खेल के वो तो सब आपको पता है, जो आज के हमारे एक्सपर्ट हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। तो देवियो संजो, आज हमारे एक्सपर्ट हैं डेक्सटेरिटी ग्लोबल के फाउंडर और CEO शरद विवेक सागर जी। ये बतौर एक्सपर्ट तो खिलाड़ियों की मदद करते ही हैं, साथ ही साथ अपने विचारों से हमें भी प्रभावित करते रहते हैं। शरद जी हमारे साथ पटना से इस पूरे खेल के दौरान लाइव रहेंगे, तो लैंग्वेज, लिटरेचर, हिस्ट्री, करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स में इन्हें काफ़ी अच्छी कारी जानकारी है। तो शरद जी नमस्कार करता हूँ आपको और प्रणाम और बहुत बहुत अभिनंदन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रणाम। अंकुश आज हैं, इनके पिताजी भारत की सेना में रहे, ये जम्मू कश्मीर से हैं और अंकुश खुद में एक प्रेरणा स्रोत हैं, तो उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज हॉट सीट पर हमारे साथ जम्मू कश्मीर से अंकुश शर्मा हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के खेल के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शरद जी, आपका आशीर्वाद अंकुश के साथ बना रहा है, बहुत ही अच्छी बातें कही आपने, अनेक अनेक धन्यवाद आपका शरद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति, क्या ख्याल है आपका अंकुश, शुरू किया जाए? शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। रेडी अंकुश, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, ₹1,000 इसका मूल्य है। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है किसी के पीछे पड़ जाना या भार बन जाना? Which of these phrases means to keep following somebody or to become a hindrance to someone? Option सुनिए, A. गले पड़ना, B. गले लगना, C. गला सूखना या D. गला तर होना। सर इसका आंसर ऑप्शन A लग रहा है, गले पड़ना। गले पड़ना, तर लगा दिया जाए? जी सर। A पे तर लगाइए, गले पड़ना। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न, ₹2,000 मूल्य है इसका। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने अंकुश, कश्मीरी भूत जोलोकिया और गुंटूर किस मसाले के विभिन्न प्रकार हैं? मसालों के बारे में पता नहीं आपको जानकारी है या नहीं। कश्मीरी भूत जोलोकिया एंड गुंटूर आर वेरियस एग्जांपल्स ऑफ विच स्पाइस? ए टर्मरिक, बी बेलीफ, सी कार्डमन या चिली, हल्दी, तेज पत्ता, इलायची या मिर्च। सर इसका ऑप्शन मुझे डी लग रहा है, चिली। डी चिली, सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी। लॉक कर दे, डी चिली पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने।
तो आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। 3000 रुपए, तीसरा प्रश्न, स्क्रीन के ऊपर अंकुश जी, ये रहा। अगर बैंक ने आपको 1 करोड़ रुपयों का भुगतान 2000 रुपए के करेंसी नोट में किया है, तो आपके पास 2000 रुपए के कुल कितने नोट हैं? इफ अ बैंक गिव्स यू 1 करोड़ रुपीज इन 2000 रुपी नोट्स और डिनोमिनेशन, हाउ मेनी नोट्स वुड यू हैव? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने, ए 15,000, बी 50,000, सी 5,000 या डी 25,000। 15,000, 50,000, 5,000, 25,000। सर सी 5,000। सी 5,000, श्योर है? यस सर। ताला लगा दिया जाए? यस सर। 5,000 सी ताला लगाया जाए। यस यू राइट, वेल प्लेड। अंकुश जी आपको हमको बोलना पड़ेगा, इसको लॉक कर दीजिए, ठीक है? ऑलराइट, वरना ये कंप्यूटर जी नाराज हो जाते हैं, ठीक है? कई बार कहते हैं हमको तो बोला नहीं आपने कि लॉक करने के लिए, तो हमने लॉक ही नहीं किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। एक हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे, इस पवित्र स्थल की यात्रा के दौरान कौन सा शहर इसका आधार शिविर यानी कि बेस कैंप है? ऑलराइट, व्हिच टाउन सर्व्स एज द बेस कैंप फॉर द यात्रा टू दिस होली प्लेस? ये तस्वीर देखिए, देख लिया? यस। ऑलराइट, ऑप्शन रखता हूं आपके सामने, ए पहलगाम, बी कटरा, सी लंचोली या डी गौरीकुंड। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी कटरा। बी कटरा ताला लगा दिया जाए? हाँ जी सर। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई। पांचवा प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव आ गया है, इसके लिए मिलेंगे आपको 10,000 रुपए। ये रहा अगला प्रश्न जो कि खेल का पहला पड़ाव है, आपकी स्क्रीन के ऊपर। दूसरों की मन की बात जानने वाले व्यक्ति के लिए इनमें से किस एक शब्द का उपयोग किया जाता है? Which of these words is used for a person who seems to be able to read the mind of others? ऑप्शन सुनिए, ए अंतर्यामी, बी अंतर्मुखी, सी बहुरूपिया या डी जिज्ञास। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए अंतर्यामी। अंतर्यामी, हाँ जी सर। ताला लगा दे? यस सर। ए पे ताला लगाइए कह रहे हैं अंकुश जी, ये भी सही जवाब है आपका, बधाई। पहला पड़ाव पार कर दिया आपने अंकुश जी। सबके मन की बात जानने वाले के लिए इस शब्द का उपयोग किया जाता है, अंतर्यामी, दूसरे के मन की बात को जान लेना, चेहरा पढ़ लेना सर, या चेहरा आप पहचान लेना। आपके मन में कोई ऐसा चेहरा है जिसे आपने पहचान लिया हो? सर आप तो अंतर्यामी हैं फिर। नहीं, हम अंतर्यामी नहीं, नहीं आपका सर। वीडियो जो था उसने हमें इस दिशा में घुमा दिया सर। हाँ सर, ऐसा एक चेहरा तो है ही है जी, और वो चेहरा दिव्या नाम की लड़की का है जी, जी। और जो कि अभी मेरी लाइफ में है, और उन्होंने मेरी लाइफ को बहुत ही चेंज कर दिया। आपकी जिंदगी में सब होते हैं, लेकिन एक वो स्पेशल इंसान की कमी हमेशा रहती है, तो वो स्पेशल इंसान की कमी उन्होंने पूरी की और लाइफ में आकर मुझे बहुत ही मोटिवेट किया, हर चीज़ में मतलब साथ दिया और पॉजिटिव फील करवाया मुझे कि नहीं मैं कर सकता हूँ, और हर चीज़ धीरे धीरे मेरी जिंदगी में होती चली गई, और उसका सारा मैं उनको ही श्रेय देता हूँ। आपने कहा कि आपका एंगेजमेंट हो गया है। सर एंगेजमेंट अनऑफिशियल एंगेजमेंट का। जी जी, समझ गया मैं। हाँ, मन की बात है, वो भी अंतर्यामी है। अंतर्यामी वाली बात है बाकी। और आपने तय कर लिया है कि जैसे ही ये कोविड का जो काल है ये समाप्त होगा आप दोनों ब्याह। बस उनकी मम्मी थोड़ी सी नाराज चल रही है अभी। ओहो, एक हॉट सीट पे आने का एक छोटा सा ये भी था कि जैसे आपने शोले फिल्म में धर्मेंद्र जी के लिए हाथ मांगा था, तो आप मेरे लिए अगर उनके एक रिक्वेस्ट कर दें। लेकिन सर क्वालिटीज थोड़ी अच्छी गिना दीजिए। अगर आप उनको प्यार से दीपू बुलाते हैं, दीवू, दीवू, हाँ, D-I-V-U, दीवू, ओके, तो उनकी माताश्री अगर हमारा कार्यक्रम देख रही हैं तो कृपा करके हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूँ कि मान जाइए और आपकी सुपुत्री जो है वो हमारे अंकुश जी के साथ अपना जीवन साथी बन के आना चाह रही हैं, सहायक के रूप में बन जाइए। ये दोनों अच्छे प्राणी हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका आशीर्वाद जो है इन दोनों पर बना रहेगा। ऑलराइट,
अंकुश जी, काम कर दिया मैंने आपका. थैंक यू सर. ओके अंकुश, चलिए आगे बढ़ते हैं. छठा प्रश्न आ रहा है, यह है 20,000 रुपए का. छठा प्रश्न आपके सामने ये रहा. एक गाना सुनाया जाएगा आपको, आपको बताना है ये गाना किस अभिनेता पर फिल्माया गया है. ऑन विच एक्टर इज दिस सॉन्ग पिक्चराइज्ड. गाना सुनाइए कंप्यूटर जी. ऑप्शन सुनिए, ए फरदीन खान, बी ऋतिक रोशन, सी अभिषेक बच्चन या डी शाहिद कपूर. सर ये ऑप्शन बी ऋतिक रोशन. क्या करें हम सर, ऋतिक रोशन जी को ताला लगा दें. ऋतिक रोशन जी को ताला नहीं लगाएंगे, बी को ताला लगा देते हैं. लगाइए कंप्यूटर जी. बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई आपको. वेल प्लेड. गीत का शीर्षक था रिंद पोषमाल, जिसे आप ज्यादा समझते होंगे कि आप जहां से हैं वहीं की भाषा है ये. और फिल्म का शीर्षक था मिशन कश्मीर. इसके निर्देशक थे विधु विनोद चोपड़ा. संगीत दिया हुआ था शंकर एहसान लॉय ने और लिरिक्स लिखे थे समीर जी ने. इसमें संजय दत्त थे, ऋतिक रोशन थे और प्रीति जिंटा. आपके फेवरेट एक्टर कौन है भाई साहब? सबसे फेवरेट मेरे शाहरुख खान है. मैं शाहरुख सर को मतलब अपना आइडल मानता हूँ या बहुत ही उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. और मैं आपका भी फ़ैन हूँ सर, ऐसा कोई वो नहीं है. लेकिन शाहरुख सर का बहुत ज़्यादा बहुत ही मतलब मुझे. किस तरह की फिल्में उनकी आपको पसंद है? मुझे उनकी सारी फिल्में पसंद है सर, जितनी भी आज तक आई हैं. मेरी फेवरेट फिल्म जो है वो मोहब्बतें हैं. मोहब्बतें. और आप सोच सकते हैं कि मोहब्बतें में आप दोनों ही थे. जी, और जी, जी. वो लेकिन उनकी भूमिका बहुत अच्छी थी उसमें सर. वो अलग अलग तरह की भूमिकाएं करते हैं. अलग सर, आपकी भी उसमें बहुत लेजेंडरी भूमिका थी और शाहरुख सर ने भी उसमें बहुत ही मतलब लव के लिए बहुत ही वो इंस्पायर किया हुआ और बहुत ही अच्छी मूवी मुझे लगी. रोमांटिक हीरो और इसलिए मुझे लगता है कुछ अंश जो है उन्हें देख देख करके आपके जीवन में भी आया. जब मैं एज ए बच्चा था मैं आपकी फिल्में देखता था सर. मैं दीवार मैंने 50+ मतलब काउंट नहीं है कि मैंने दीवार कितनी बार देखी है. जैसे आपसे शहनशाह ऑफ बॉलीवुड है तो मैंने आपसे सर आपसे बहुत कुछ सीखा है कि मतलब स्टाइल एक जो होता है वो जैसे आपसे मैंने सीखा है. और शाहरुख सर से वो किंग ऑफ रोमांस हुए तो उनसे मैंने रोमांस की थोड़ी जी 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 नॉलेज. ये जितने खिताब आप मेरे लिए बोल रहे हैं इसमें सर ये बहुत कम है सर, ये बहुत ही कम है. मैं कुछ मैं मेरे को पता है कि आप नहीं नहीं मैं मानता हूं इतने हम्बल है कि आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं. फिल्म का नाम है शहनशाह जिसमें हमने काम किया था, लेकिन इन सब बातों में हमारा विश्वास नहीं है. ओके, सातवां प्रश्न आ रहा है आपके सामने. इसका मूल्य है 40,000 रुपये. तैयार हो जाइए. सातवां प्रश्न, 40,000 रुपये आपकी स्क्रीन के बढ़िए रहा. इनमें से कौन सा निक नेम उस क्रिकेटर का है जिसने अपने टेस्ट करियर में विश्व में सबसे अधिक रन बनाए? टेस्ट करियर में विच वन ऑफ दीज इज द निक नेम ऑफ द क्रिकेटर विद द मोस्ट करियर रन्स इन टेस्ट्स वर्ल्ड वाइड. ए द वॉल, बी महाराजा, सी लिटिल मास्टर, डी मुल्तान का सुल्तान. सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी लिटिल मास्टर. श्योर है? यस सर. ताला लगाने लायक? यस सर. सी लिटिल मास्टर पे ताला लगाया जाए. वाह क्या बात है, बहुत ही सुंदर जवाब दिया आपने और जीत गए हैं 40,000 रुपए. सचिन तेंदुलकर का निक नेम लिटिल मास्टर है. उन्होंने टेस्ट में सबसे अधिक रन 15,921 बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया. He inherited the nickname from Sunil Gavaskar, who too had the same nickname and earlier held the record for the highest test runs. और अद्भुत एक व्यक्ति और अद्भुत खिलाड़ी. सर वो एक संस्था टाइप इंसान. एक संस्था है, बिल्कुल सही कहा आपने. क्रिकेट का बहुत शौक है सर. क्रिकेट मतलब कि सचिन सर का भी बहुत फैन हूँ मैं. सचिन सर को मैं गॉड ऑफ क्रिकेट टाइप मानता हूँ. कौन नहीं मानता उन्हें ये. मतलब जब सचिन सर थे तब मैं कोई मैच ऐसा मतलब शायद ही मिस करता था. अगर मैं स्कूल में हूँ या कॉलेज में हूँ तो वो अलग बात है, लेकिन फिर भी मैं उनके हर मैच देखता था. जी, और जी. जब वो रिटायर हो गए तो फिर हाँ. बहुत ही बुरा भी लगा. और सर कई बार ऐसा होता था हम लोग जब कोई मान लीजिए मैच नहीं देख पा रहे हैं या थोड़ी देर तक देखा खेल और फिर हम लोग काम वाम में लग गए और वापस आए और पता चला कि स्कोर इतना हो गया है, सबसे पहला प्रश्न हम लोग यही पूछते थे अरे यार सचिन आया कि नहीं आया. मतलब वो अगर आ जाएंगे तो हम लोग बच जाएंगे. ऑलराइट,
अंकुश जी आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए इसका मूल्य, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। विक्रम बत्रा, मनोज कुमार पांडे, योगेंद्र सिंह यादव और संजय कुमार, इन सभी का संबंध किस युद्ध से है? विक्रम बत्रा, मनोज कुमार पांडे, योगेंद्र सिंह यादव एंड संजय कुमार आर ऑल नेम्स एसोसिएटेड विद विच वॉर? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए 1999 कारगिल वॉर, 1965 इंडो पाक वॉर, 1962 साइनो इंडियन वॉर, या डी 1971 इंडो पाक वॉर। 1999 कारगिल युद्ध, 1965 भारत पाक युद्ध, 1962 में भारत चीन युद्ध, 1971 में भारत पाक युद्ध। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए 1999 कारगिल वॉर। 1999 कारगिल वॉर ए कह रहे हैं अंकुश जी। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। वेल प्लेड अंकुश, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 1999 कारगिल युद्ध, कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव और राइफलमैन संजय कुमार को कारगिल युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ने के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ऑलराइट। अपने पिताश्री को जब आपने देखा कि वो आर्मी में हैं, आपके मन में कभी ये नहीं हुआ कि आप भी आर्मी में ज्वाइन कर जाएं? इंडियन आर्मी जो एक मतलब उनकी यूनिफॉर्म है वो देख के मुझे अपने पापा पे बहुत प्राउड फील होता था और मुझे हमेशा यही लगता था कि मैं ये जॉब मतलब इंडियन आर्मी जैसी जॉब इस दुनिया में कोई और है ही नहीं है और मेरे को बहुत ही प्राउड फील होता है। बहुत दूर का, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। हमारे भारत की जो आर्म फोर्सेज हैं उनके ऊपर बड़ा गर्व है मुझे, और जिस तरह से वो अपने आप को अनुशासित रूप से किस तरह से वो युद्ध में चले जाते हैं, किस तरह से हमारे देश की रक्षा करते हैं, उनके ऊपर हमारे मन के अंदर और दिल के अंदर बहुत आभार और गर्व है हमारे सबके मन में। ओके ऑलराइट अंकुश, अब आ रहा है 9वां प्रश्न, 160,000 रुपये इसका मूल्य है, खेलिए इसको। 9वां प्रश्न, 160,000 रुपये आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये रहा इनमें से किन दो देशों की सीमा आपस में नहीं लगती है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंट्रीज डू नॉट शेयर ए बॉर्डर? जोड़ियां हम डालेंगे, आपको बताना है कि इनमें से किन दो देशों की सीमा आपस में नहीं लगती है। ए फ्रांस और जर्मनी, बी ईरान इराक, सी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, डी नेपाल भूटान। फ्रांस और जर्मनी, ईरान इराक, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, नेपाल भूटान। सर मुझे इसमें थोड़ा डाउट जा रहा है ए और बी में। okay. लाइफलाइन है आपके पास, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। सर आई विल चूज अ लाइफलाइन। शांत हो जाएं, चल पड़ी जी, चारों जीवित हैं, किसे आप लेना चाहेंगे? सर 50-50 करेंगे। ओके okay. दो आपके मन में संदेह हो रहा है आपको, ए और बी में। हाँ जी सर। ऑलराइट, इसे अंकित कर दिया गया है अंकुश जी, और जैसा कि आप जानते हैं दो जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। जहां आप जा रहे थे वही दोनों मिट गए, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, नेपाल भूटान। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, नेपाल भूटान। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। नेपाल उत्तर में चीन और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में भारत के साथ अपनी सीमा साझा करता है। भूटान की सीमा उत्तर और उत्तर पश्चिम में चीन से और अन्य दिशाओं में भारत के साथ लगती है। भूटान और नेपाल के बीच सिक्किम स्थित है और इसकी सीमाएं आपस में एक दूसरे नहीं लगती। अंकुश, 9 प्रश्नों का उत्तर दे दिया, चांस मत लीजिएगा क्योंकि अब आ रहा है खेल का दूसरा पड़ाव। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपये, एक लाइफलाइन चली गई, कोई बात नहीं। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपये स्क्रीन के ऊपर। ये रहा किस वैश्विक नेता ने साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता है? विच वर्ल्ड लीडर
won a Nobel Prize for Literature? A. Woodrow Wilson. B. Winston Churchill. C. Nelson Mandela. D. Barack Obama. Sir, please lock option B, Winston Churchill. Sure, hai? Yes, sir. Tala gane like? Yes, sir. B pe tala lagaye, computer ji. Well done, Ankush. Well played. 3,20,000 रुपए जीत लिया. बहुत मुश्किल प्रश्न था ये और आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है. विंस्टन चर्चिल 1940 से 45 तक और फिर 1951 से 1955 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे. उन्होंने 1953 में ऐतिहासिक और जीवनी संबंधी बेहतरीन वर्णन के साथ साथ उत्कृष्ट मानवीय मूल्यों की शानदार व्याख्या के लिए साहित्य का नोबेल जीता. Yes, sir. बाकी तीन नेताओं ने शांति का नोबेल पुरस्कार जीता है. Yes, sir. 3,20,000 रुपए का चेक आ गया आपके नाम अंकित. यह है 3,20,000 रुपए का आपका चेक. बहुत बहुत बधाई आपको अंकित जी. बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए बहुत ही कठिन प्रश्नों का आपने उत्तर दिया है. अब यहाँ से ये जो चल पड़ी जी हैं ये शांत हो जाएंगे. आपके पास समय समय और हमारा जो सप्तकोटि द्वार है 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का जैकपॉट प्रश्न उसका द्वार खुल जाता है. अब आ रहा है 11वां प्रश्न. 3 लाइफलाइन आपकी जीवित हैं. इस प्रश्न को खेलिएगा ज़रूर क्योंकि यदि आप गलत हो गए हम नहीं चाहते कि आप गलत हों तो आप कुछ खोइएगा नहीं. 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपये स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से किस देश ने ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेलों दोनों की मेजबानी नहीं की है? विच ऑफ दीज कंट्रीज हैज नॉट होस्टेड बोथ द समर एंड विंटर ओलंपिक गेम्स? नहीं किए. ऑप्शन देखिए. ए फ्रांस, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी यूएसए. फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका. सर इसका ऑप्शन अभी मुझे कंफ्यूजन ए और सी में आ रहा है. ओके. और 50-50 लाइफलाइन याद आ रही है. आई थिंक सर इसका सी ऑप्शन है. ऑस्ट्रेलिया ने नहीं की है. ओके. बाकी सबने की है. सी ऑस्ट्रेलिया सर. ऑलराइट जाएंगे उसके साथ. यस सर. अंकुश जी कह रहे हैं कंप्यूटर महाशय सी ऑस्ट्रेलिया को ताला लगाया जाए. अंकुश जी आप जीत गए. बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने. बधाई. वेल प्लेड अंकुश. थोड़ा संदेह था आपके मन के अंदर उसके बाद आपने अनुमान लगाया और सही उत्तर दे दिया. ऑस्ट्रेलिया ने 1956 और सन 2000 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है. फ्रांस ग्रीष्मकालीन 1900 1924 में. शीतकालीन 1924, 1968, 1992. जापान ने ग्रीष्मकालीन 1964 और सन 2020 जो कि अभी पोस्टपोन हो गया अगले साल होगा. शीतकालीन 1972 और 1998 में. यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ग्रीष्मकालीन 1904, 1932, 1984, 1996 में. समर ओलंपिक्स और शीतकालीन विंटर ओलंपिक्स 1932, 1960, 1980 एंड 2002. वेल प्लेड अंकुश. थैंक यू. हमने देखा कैरम आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं और आपने बताया कि आपके पिताजी ने आपको ये कैरम बोर्ड ला करके दिया तब से आपने खेलना शुरू कर दिया. सर हाँ एक जब मैं छोटा था तो पापा ने एक बर्थडे पे आई थिंक 5-6 साल का होगा बर्थडे पे कैरम ला के दे दिया था और फिर उसके बाद मेरे जितने भी कजन्स हैं या मेरे भाई बहन हैं उनके साथ और पापा के साथ भी कि कैरम खेलना स्टार्ट कर दिया मैंने और स्टार्टिंग से कैरम खेलते खेलते फिर उसके बाद कॉलेज लाइफ में चला गया. जब कॉलेज लाइफ में जाके सर इंटर कॉलेज कंपटीशन होते थे इंडोर गेम्स के जी जी. तो उसमें कैरम खेला और उसमें मतलब अच्छा मतलब परफॉर्म किया सर. फिर उसके बाद फिर से जब बैंक में जॉब लगी और बैंक में पता लगा कि इंटर बैंक गेम्स होते हैं जो कि
हर मतलब आउटडोर भी स्पोर्ट्स होते हैं और इनडोर भी होते हैं जी। फिर उसमें सर मैंने कैरम खेलना मतलब कैरम ऑप्ट किया और कैरम खेलना स्टार्ट किया, अच्छे अच्छे प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिला, तो फिर गेम बढ़ती चली गई सर। अच्छी अच्छी खेलते गए, हमने देखा आपने बहुत बढ़िया शॉट मारा था अभी उसमें, जो रिबाउंड शॉट था, रिबाउंड शॉट है जो थर्ड पॉकेट अपनी साइड वाली होती है, अपनी तरफ जो है थर्ड पॉकेट उसको बोलते हैं जी, मेरा फेवरेट शॉट है सर कैरम में जी। जी बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने सर। ओके अब आएंगे हम 12वें प्रश्न के ऊपर, इसका मूल्य है 12,50,000 रुपये। अंकुश बहुत सोच समझ कर खेलिएगा, 3 लाइफलाइन बची हुई हैं आपकी, सही उपयोग कीजिएगा उनका। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 12वीं रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को राष्ट्रीय सांख्यिकी में प्रथम प्रोफेसर पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? Which former RBI governor was conferred with the first Professor P.C. Mahalanobis National Award in official statistics? Options रखता हूँ आपके सामने, समय समय आपके पास, सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। A. C. रंगराजन, B. बिमल जलान, C. रघुराम राजन, D. उर्जित पटेल। समय समय है आपके पास, समय की कोई पाबंदी नहीं है। सर इसका आंसर मुझे ए सी राजा रंगन लग रहा है, रंगराजन जी, सी रंगराजन ही लग रहा है सर। सी रंगराजन लग रहा है आपको? क्या करना चाहेंगे सर? सी रंगराजन लॉक कर दें सर। अंकुश जी ने बहुत सोचा है इसके बारे में और अंत में कह रहे हैं ए सी रंगराजन पे ताला लगा दिया जाए। कैसे आपने अनुमान लगाया ये सर? क्योंकि जितने भी बाकी आपने फर्स्ट प्रोफेसर में पहले सी रंगराजन ही फर्स्ट से आपको अनुमान लगा। हाँ सर, और रघुराम राजन को तो नहीं मिला, सी रंगराजन ही सर। 12,50 जीत गए आप अंकुश, वेल प्लेड, बहुत खूबसूरत उत्तर दिया है आपने, और आपने अनुमान लगाया कि अगर फर्स्ट प्रोफेसर हैं और बाकी जो हैं वो थोड़े से बाद में आए हैं, इसलिए वही होंगे, और आपने उसको लॉक करने के लिए कहा सी रंगराजन। 1992 से 1997 तक RBI गवर्नर रहे, वे एक अर्थशास्त्री और पूर्व सांसद भी हैं। बहुत कमाल खेल रहे हैं आप अंकुश जी, ऐसा कहकर मैं उम्मीद करता हूं कि नजर न लगे। अब आ रहा है आपके सामने 25,00,000 रुपए का प्रश्न, 13वां प्रश्न है ये, और 3 लाइफलाइन जीवित हैं अभी आपकी। कई सालों से मैं ये खेल खेल रहा हूं, बड़ा कम होता है जब इस स्तर पर आकर के हमारे खिलाड़ियों के पास 3 लाइफलाइन बची हों। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं अंकुश, बहुत बढ़िया खेलिएगा। 13वां प्रश्न 25,00,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ।1838 में ब्रिटिश सेना के किस कप्तान ने खजुराहो के मंदिरों को फिर से खोजा था? Which British Army captain rediscovered the Khajuraho temples in the year 1838? A. Charles Boycott, B. T.S. Burt, C. Charles Stavely, yes, Stavely, D. R.A. Davidson. सही उत्तर देंगे 25,00,000, समय की कोई पाबंदी नहीं है, 3 लाइफलाइन जीवित हैं, सही उत्तर देंगे आप 25,00,000 रुपए आप जीतेंगे। ।1838 में ब्रिटिश सेना के किस कप्तान ने खजुराहो के मंदिरों को फिर से खोजा था? सर मैं अपनी एक लाइफलाइन लेना चाहूंगा। ओके
तीन जीवित हैं, कौन सी लेंगे? सब वीडियो कॉल फ्रेंड। वीडियो कॉल फ्रेंड, ओके। इसको अंकित कीजिए कंप्यूटर जी। अंकुश, आपने 5 नाम दिए थे, ये रहे वो नाम। वो भी है यहाँ पर जिनसे आपका प्रेम है, दीवू जी, महेश शर्मा जी, अविनाश मोहट्टा है, पठान इद्रीस सर हैं और पीएन झा हैं। क्या लगता है आपको इनमें से किसके पास होगा सही उत्तर? सर, इनमें मुझे लगता है पीएन झा सर के पास इसका आंसर होगा। पीएन झा के पास होगा उत्तर इसका? हाँ सर। ऑलराइट, पीएन झा साहब को फोन लगाया जाए। क्या कर रहे हैं ये? सर, ये बिहार में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं और साथ में स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी हैं सर। गवर्नमेंट सर्वेंट है या आईएएस में? गवर्नमेंट सर्वेंट। ओके, ऑलराइट। जा साहब, प्रणाम करता हूं आपको। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम 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 सर। पीएम जा साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंकुश शर्मा जी हमारे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं और एक प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं, वो आपसे मदद मांग रहे हैं। सर सर, तो अंकुश जी अपनी आवाज में एक प्रश्न पढ़ेंगे सर। उसके 4 ऑप्शंस हैं ए बी सी डी सर। 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है सर। सर ठीक है, अंकुश आपका समय शुरू होता है अब। सर, 1838 में ब्रिटिश सेना के किस कप्तान ने खजुराहो के मंदिर को फिर से खोजा था? 1838 ब्रिटिश सेना के किस कप्तान ने खजुराहो के मंदिरों को खोजा था? पहला ऑप्शन है चार्ल्स बॉयकॉट, दूसरा ऑप्शन है टीएस बर्ट, तीसरा ऑप्शन है चार्ल्स स्टावले और चौथा ऑप्शन है आर ए डेविडसन। एक बार फिर से बोला जाएगा सर। पहला ऑप्शन है चार्ल्स बॉयकॉट और दूसरा टीएस बर्ट और तीसरा चार्ल्स स्टावले और डी। इसमें मुझे लगता है स्टावले हो सकता है, लेकिन मैं बहुत श्योर नहीं हूं। क्या बोल रहे हैं? चार्ल्स स्टावले। ठीक, दूसरी लाइफ लाइन यूज करूंगा। फ्लिप क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन, ओके। कमिना महाशय, अंकुश जी इस प्रश्न को बदलना चाह रहे हैं। ऑलराइट, इस लाइफ लाइन को अंकित दिया जाए। ओके, इस प्रश्न का उत्तर हमें बताना पड़ेगा अंकुश, तो किसी एक को गेस कीजिए प्लीज। लॉक ऑप्शन ए, चार्ल्स बॉयकॉट। चार्ल्स बॉयकॉट ए पे ताला लगाया जाए, ये गलत होता। सही है टीएस बर्ट। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के द्वारा 900 और 1150 ईस्वी के बीच किया गया था। 1839 में एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में छपी खजुराहो पर कैप्टन टीएस बर्ट की एक ऐतिहासिक रिपोर्ट में मंदिरों का संक्षिप्त विवरण दिया गया था। ये मंदिर लगभग 700 वर्षों से घने जंगल में छुपे हुए थे और वो टीएस बर्ट थे जिन्होंने इन्हें डिस्कवर किया। ऑलराइट, अब ये प्रश्न हटा दिया जाएगा। हमारे पास एक सूची है 11 विषयों की, आपसे पूछा गया था किसी एक विषय को चुने। सर, रिलीजन कल्चर एंड माइथोलॉजी। रिलीजन कल्चर एंड माइथोलॉजी, ऑलराइट। कमिना महाशय, इस प्रश्न को हटा दीजिए और रिलीजन कल्चर एंड माइथोलॉजी के आधार पर अंकुश जी के सामने अगला प्रश्न रख दीजिए। ये आ गया है आपका फ्लिप द क्वेश्चन। देवी महात्मा के अनुसार देवी से युद्ध करने के लिए तैयार महिषासुर की विशाल सेना में एक ऐसा दानव था जिसके बाल तलवार जैसे तेज थे, उस दानव का क्या नाम था? अकॉर्डिंग टू द देवी महात्म्या, महिषासुर हैड अ ह्यूज आर्मी टू बिगिन विद व्हेन ही कन्फ्रंटेड देवी व्हिच इंक्लूडेड अ डीमन whose hair was sharp as swords, named what? A. Bidala या Bidal. B. Asiloma या Asilom. C. Mahamanu या Mahamanu. D. Udagra या Udagra. बिडाल, असिलोम, महामनु, उदग्र।
सर उदग्र और बिदाला ही दो ऐसे नाम हैं। सर लग तो उदग्र और बिदाला में ही रहा है सर, लेकिन समय ले लीजिए, आप सोच लीजिए इत्मीनान से और फिर बताइए हमें किसे लॉक करना। सोच लीजिए क्योंकि आप 12:50 जीत रहे हैं, अगर यहां गलत हो गए तो आप नीचे गिर जाएंगे 3:20 पे। हम नहीं चाहते कि ऐसा। महामनु के बारे में मैंने सुना नहीं। इतना जान लीजिए कि 12:50 आप जीत रहे हैं। यहाँ अगर आपने गलत उत्तर दिया तो आप नीचे गिर जाएंगे 3:20। लाइफलाइन यूज़ करो। लाइफलाइन करेंगे? ओके। चौथी और आखिरी लाइफलाइन है कंप्यूटर महाशय, इसे अंकित किया जाए और इंटेलिजेंट एक्सपर्ट के साथ हमारा संपर्क कराइए। शरद जी आपकी बारी आ गई है, प्रणाम करता हूँ आपको। शरद जी एक प्रश्न है जिसे आपने सुन लिया होगा, मैं एक बार फिर से उसको दोहराऊंगा। 60 सेकंड मिलेंगे आपको जैसे ही मैं ऑप्शंस देता हूं उनके। देवी महात्म्य के अनुसार देवी के युद्ध करने के लिए तैयार महिषासुर की विशाल सेना में एक ऐसा दानव था जिसके बाल तलवार जैसे तेज थे, उस दानव का क्या नाम था? यह है प्रश्न। 60 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए और मैं ऑप्शन पढ़ता हूं आपके सामने, तैयार हो जाइए। ए पिडाल, बी असिलोम, सी महामनु या डी उदग्र। या उदग्र मुझे लगता है इसका जवाब बी असिलोम होना चाहिए। शायद जो प्रहार महिषासुर ने किया था 4 राक्षसों के साथ देवी पर, उसमें एक असिलोम राक्षस है और उन्हीं को शायद हेयर शार्प एज स्वॉर्ड का कंपैरिजन वहीं ड्रॉ किया गया है, तो मुझे लगता है असिलोम होना चाहिए। संतुष्ट हैं आप? ठीक है, बताइए क्या करें। सर बी असिलोम को लॉक कर। बी असिलोम पे ताला लगा दीजिए कंप्यूटर महाशय। शरद जी आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, बधाई, आपको जिता दिया है 25,00,000 रुपए। असिलोम संस्कृत में इस नाम का अर्थ होता है जिसके बाल तलवार की तरह तेज हो। अंकुश जी अब भाई साहब खेल थोड़ा सा गंभीर और कठिन भी हो गया है, लाइफलाइन नहीं है आपके पास कोई बची हुई, और अगला प्रश्न अगर आपने उसका सही उत्तर दे दिया तो 50,00,000 रुपए जीत जाएंगे आप। यह है 14वां प्रश्न 50,00,000 रुपए के लिए, तैयार हो जाइए अंकुश। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विकास स्वरूप की पुस्तक Q&A में वर्णित टीवी क्विज शो में राम मोहम्मद टॉमस से पूछा गया आखिरी सवाल किस तथ्य पर आधारित था? इन द बुक Q&A बाय विकास स्वरूप, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द लास्ट क्वेश्चन आस्क्ड टू राम मोहम्मद टॉमस इन द टीवी क्विज शो? ए बीथोवन्स पियानो सोनाटा नंबर 29, बी मुमताज महल्स फादर, सी थ्री मस्केटियर्स, डी कोस्टार्ड अ शेक्सपियर कैरेक्टर। हिंदी में आपको बताता हूं, बीथोवन की पियानो सोनाटा नंबर 29 मुमताज महल के पिता श्री या थ्री मस्केटियर्स, कोस्टार्ड एक शेक्सपियर
चरित्र सही हो गया तो 50 लाख, गलत हो गया 320। Q&A by Vikas Swarup. What is the subject of the last question? Asked to Ram Mohammad Thomas in the TV quiz show. Ram Mohammad Thomas. Guess वक्त नहीं चलता है अंकुश. 25 लाख रुपए बहुत भारी रकम होती है. Lifeline है नहीं, आप किसी भी समय quit कर सकते हैं. 25 लाख रुपए आप जीत जाएंगे. पचास लाख का प्रश्न है ये, बहुत सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा. हम नहीं चाहते कि इतने प्रयत्न के बाद आप कुछ खो जाएं. सर, इसका आंसर मुझे नहीं पता और मैं फाइनली क्विट ही करना चाहूंगा. क्विट करना चाहेंगे? यस सर. ओके. कबीर महाशय, अंकुश जी को इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम है, वो क्विट करना चाहेंगे. हम आपको अनुमति देते हैं अंकुश, आप बहुत खूबसूरती के साथ खेले हैं और ये जो 25 लाख रुपए आपने जीते हैं इनको हम आपके बैंक अकाउंट में डलवा देते हैं यहीं से. ये मोबाइल ऐप है, नाम आ गया आपका, एसी नंबर, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफ़र नाम बताया, 25 1 2 3 4 5 सही है? यस. कंफर्म किया और ये शीघ्र से शीघ्र आपके अकाउंट में पहुंच गया. बहुत बहुत बधाई आपको अंकुश, बहुत ही सुंदर तरीके से आप खेले. कई ऐसे प्रश्न थे जिनका बड़ा कठिन उत्तर था लेकिन आपको मालूम था उनका जवाब और आपने खेला उसको बहुत खूबसूरत तरीके से खेला. ओके, अब जाने से पहले इसको हमें बताना होगा अपने दर्शकों को कि इसका सही उत्तर क्या है. किसी एक को गेस कीजिए आप पंकज जी. सर, ऑप्शन ए बीथोवन. बीथोवन पियानो सोनाटा नंबर 29A पे ताला लगा जाए. अरे भाई साहब, ये सही होता. इट इज द राइट आंसर. गेस किया आपने कि बस गेस किया था? प्योर गेस. प्योर गेस. ओके. इन द बुक द लास्ट क्वेश्चन आस्क्ड ऑन द टीवी क्विज शो हु विल विन अ बिलियन वाज बीथोवन्स पियानो सोनाटा नंबर 29 ओपस 106 आल्सो नोन एज द हैमरक्लेवियर सोनाटा इज इन विच की. द बुक Q&A वाज अडैप्टेड इनटू द मूवी स्लमडॉग मिलियनेयर बेस्ड ऑन Who wants to be a millionaire? अंकुश जी, बहुत बहुत बधाई आपको. थैंक यू सर. हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ. आप अपने जीवन को बहुत ही धैर्य के साथ, धीरज के साथ आप बिता रहे हैं. हम सदा आपके साथ, आपकी प्रार्थनाओं में हैं. आपका जीवन आगे भी चल करके इतना ही उत्तम रहे, यही हमारी. थैंक यू लॉट सर. ओके, वेल डन. आई विल होल्ड इट फॉर यू. देखो सजनों, आपने देखा अंकुश किस तरह से बहुत ही बहादुरी के साथ यहाँ पर आए, खेल खेला और 25 लाख रुपए जीत करके गए हैं. रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर. फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा. सबसे पहले से शुरू कर इन फिल्मों को उस क्रम में लगाएं जिस क्रम में इन्होंने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते. Starting with the earliest, arrange these movies in the order in which they won the National Film Award for Best Feature Film. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने. A. Page 3, B. Pother Panchali, C. Bahubali, The Beginning, D. Pan Singh Tomar. समय समाप्त हो गया. आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए. सबसे पहले बी पोथेर पांचाली 1955 में, जिसे सत्यजीत रे ने उसका निर्देशन किया था. फिर आता है ए पेज 3 2004, मधुर भंडारकर उनके निर्देशक. फिर आता है डी पान सिंह तोमर 2012, तिग्मांशु धूलिया वो थे निर्देशक इस फिल्म के. और अंत में है सी बाहुबली द बिगिनिंग 2015, एस एस राजामौली ने इसका निर्देशन किया था.
BADC और BADC के क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया, ये रहे उनके नाम। केवल दो ने सही और सबसे तेज जवाब, हेमलता नगिंद दास पवागढ़ी। आइए जी, हेमलता जी प्रणाम करता हूं आपको और बहुत बहुत बधाई देता हूं। थैंक यू सर। देवी और सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं हेमलता नगीन दास पावागढ़ी जी। ये वडोदरा गुजरात में एक एनजीओ की डायरेक्टर हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, एक बार फिर तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं। और कंपेनियन के रूप में आप अपनी सुपुत्री को लाई हैं। जी। नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम निन्नी वर्मा है। जी, और साथ में कौन है आपके? नमस्ते सर, मैं चेतना भट्ट, उनकी छोटी बहन हूँ। इनकी छोटी बहन है? हाँ आप? ओहो, अच्छा अच्छा। तो निन्नी जी और छोटी बहन जी, आपको बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में, बहुत बहुत स्वागत। तो जितने भी खेल के नियम है वो तो आप जानती ही हैं। तो इसी के साथ देवी और सज्जनों शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हेमलता जी, तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न, 1,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से क्या एक तरह के चम्मच यानी स्पून का प्रकार है? विच ऑफ दीज इज ऑल्सो द नेम ऑफ अ टाइप of spoon? A, table, B, chair, C, drawer, या D, cupboard? इनमें से क्या एक तरह के चम्मच यानी स्पून का प्रकार है? टेबल, चेयर, ड्रॉर या कबर्ड? सर लाइफलाइन। इतनी जल्दी एक लाइफलाइन लेंगे? नहीं समझ में आ रहा है सर। समझ में नहीं आया? ए, चलती जा रहे हैं आप, हम कब से बोल रहे हैं, रुक जाओ, मानती नहीं आप। कौन सी लाइफ लाइन लेंगे आप? सर फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन, ओके। हेमलता जी अपने पहले प्रश्न को ही कह रही है, इसको हटा दिया जाए, एक नया प्रश्न डालिए। फ्लिप द क्वेश्चन लाइफ लाइन को अंकित कीजिए। हेमलता जी, वो जो फ्लिप द क्वेश्चन, उसको डालने से पहले हमें इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए आप। डी कबर्ड। डी कबर्ड, ताला लगाइए डी पे। ये गलत उत्तर है, सही उत्तर है टेबल। टेबल, टेबल स्पून बोलते हैं ना, टेबल स्पून। टेबल स्पून, आधा ये आधा ये। हाँ, टेबल स्पून। टेबल स्पून एक बड़ा चम्मच होता है। हाँ, टेबल स्पून जिसको, हाँ, मालूम है। इसको आमतौर पर खाना खाने या खाना परोसने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सही है। टीस्पून होता है चाय के लिए, एक छोटा चम्मच होता है आजकल अचार के लिए भी, एक और भी छोटा चम्मच। हाँ जी, हाँ जी, अलग अलग, पता नहीं उसको अचार स्पून बोलते हैं या नहीं। चांदी का। जी जी, लेकिन टेबल स्पून शायद आप ठीक से समझ नहीं पाए। हाँ, मैं नहीं समझ पाए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस प्रश्न को हम बदल देंगे। और हमारे पास एक सूची है यहाँ पर 11 विषयों की। आपसे कहा था किसी एक विषय को चुनिए। हाँ जी। क्या चुना आपने? माय सिटी माय स्टेट। माय सिटी माय स्टेट को चुना था आपने। ऑलराइट, कमिटी महाशय इस प्रश्न को हटा दीजिए और फ्लिप द क्वेश्चन में हेमलता जी के लिए माय सिटी माय स्टेट के आधार पर अगला प्रश्न पेश किया जाए। ये आ गया है प्रश्न। 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह यानी दांडी मार्च की शुरुआत इनमें से किस स्थान से हुई थी? In 1930, the Salt March stroke Dandi March, led by Mahatma Gandhi, started from which of the following places? A, Anandwan, B, Kiri Mandir, C, Sabarmati Ashram, D, Sevagram.
दांडी मार्च की शुरुआत आनंद वन नहीं, कीर्ति मंदिर नहीं, सेवाग्राम नहीं सर, प्लीज लॉक सी साबरमती आश्रम। सी साबरमती आश्रम, हाँ जी। ताला लगा दीजिए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। ओके, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। यह है 2000 रुपए का। कोई बात नहीं, एक लाइफलाइन चली गई आपके। हेमलता जी, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। कंचन, कनक और कुंदन, इन तीनों नामों का अर्थ क्या होता है? What do the names कंचन, कनक एंड कुंदन ऑल मीन? ए पिजन यानी कबूतर, बी गोल्ड यानी सोना, सी ट्री वृक्ष, डी लैम्प दीपक। सर प्लीज लॉक बी सोना। बी सोना, गोल्ड पे ताला लगाने को कह रही हैं। लगा दीजिए कंप्यूटर जी। ये सही उत्तर दिया है आपने, 2000 जीत गई आप। हेमलता जी, दो प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने। अब आएगा तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए के लिए, ठीक है? हाँ जी। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा फाइबर एक खास तरह के पौधे के तने के रेशों से प्राप्त होता है? Which of these fibers is obtained from the stem of a plant? Option सुनिए। A. Silk, B. Wool, C. Jute, D. Cotton. रेशम, ऊन, जूट या कपास? रेशम तो रेशम के कीड़े बनाते हैं, ऊन नहीं। सर प्लीज लॉक C. जूट। जूट, ताला लगा दें इसको? हाँ जी। जूट पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने हेमलता जी, क्या बात है, बहुत ज्ञान है आपको हेमलता जी, हम बता दें। बधाई आपको। ऑलराइट, अब आगे अरे अचानक ये बज जाता है हूटर, बताता है कि खेल खत्म कीजिए, समय हो गया है। तो हेमलता जी, आपसे मिल करके हमें बड़ी खुशी हुई और आपके बारे में हमको बहुत सारी जानकारी प्राप्त करनी है, न केवल मेरे लिए बल्कि हमारे दर्शकों के लिए भी। तो आज तो हूटर बज गया है, यही खेल हम समाप्त करेंगे। देखिए देवी और सज्जनों, कल जो हमारा विशेष कार्यक्रम है केबीसी कर्मवीर, हमारे इस कार्यक्रम को आप अवश्य देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तब तक के लिए प्रार्थना है आपसे कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का साथ मत छोड़िएगा, अपने परिवार को और अपने आप को सुरक्षित रखिए और स्वस्थ रहिए। शुभरात्रि, 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 गुड नाइट, यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ्स एंड थैंक यू वेरी मच। Thank you.